दोस्तों स्वागत है आपका अर्निंग में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिसके पास क्रेटा लेने का बजट नहीं होता है वो ब्रेजा लेता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेजा समझदार लोगों की पसंद होती है। तो आज हम जानेंगे इसके सबसे वैल्यू फॉर मनी बेस वेरिएंट के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों विटारा ब्रेजा के बारे में सारी डिटेल्स। दोस्तों इसको एक SUV डिज़ाइन में बनाया गया और काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है। इसका फ्रंट ग्रिल में क्रोम एसेंट है और इसके हेडलाइट हेलोजन के साथ आते हैं। इसके अलॉय व्हील इसमें नहीं मिलते हैं, इसमें स्टील रिम मिलते हैं क्योंकि ये बेस मॉडल है। दोस्तों इसके बेस मॉडल में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 104 bhp का पावर और 138 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल होता है। इस SUV के बेस मॉडल में भी काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, जैसे कि पावर विंडो कंट्रोल, मैनुअल एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल लॉकिंग, पावर स्टेयरिंग, रियर पार्किंग सेंसर और कुछ बेसिक फीचर जो है कि सारी गाड़ियों में होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। इस SUV के साथ आपको सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसको ग्लोबल NCAP में 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और ये डुअल एयरबैग के साथ आती है। EBS ABT, हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको साथ में मिल जाते हैं। दोस्तों इसका फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा माइलेज मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक SUV के हिसाब से इसके बेस मॉडल में जो कि पेट्रोल इंजन है उसमें 17 से 18 किलोमीटर का माइलेज ये दे देती है। और इसका सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और इसकी ड्राइव क्वालिटी और केबिन का जो NVH है बहुत ही अच्छा है। बहुत ही शांत केबिन होता है इसका और ड्राइव कम्फर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है नई वाली ब्रेजा। दोस्तों मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एकदम सबसे सेफेस्ट कार होती है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा और इसका बेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो आपको कैसे लगती है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या आपको लगता है कि इसके जगह हमें नेक्सॉन लेना चाहिए, क्योंकि नेक्सॉन वगैरह बाकी इसके राइवल से इसको कंपेयर करें तो ये ज़्यादा स्पेसियस है और ज़्यादा SUV वाली लुक देती है बल्कि, और इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एक SUV देख रहे हैं जो कि हर तरीके से वैल्यू फॉर मनी और बजट में आ जाए। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में तो भी आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।